दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक क्यों मचा सियासी भूचाल, चन्नी के घर आज क्यों पहुंचेंगे अकाली, प्रियंका के लिए कौन कटा रहा है पंजाब का टिकट, और कन्हैया ने उठाया हाथ तो कांग्रेस को मिलेगा साथ या फिर आघात। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप नाइन राष्ट्र। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आगे आपका क्या प्लान है, इस पर अमरिंदर ने कहा कि मैं किसी नेता से नहीं मिल रहा, घर खाली करने आया हूं। पंजाब में सियासी भूचाल के बीच आज अकाली दल चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव करने जा रही है। सुबह 11 बजे मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से लेकर चंडीगढ़ सीएम चन्नी के सरकारी निवास तक पैदल प्रोटेस्ट मार्च भी किया जाएगा। भारत माला प्रोजेक्ट में किसानों की अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजे को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अगर बदलाव करे तो मास्टर स्ट्रोक और कांग्रेस करे तो अव्यवस्था, ये कैसे हो सकता है। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए अपने बयान पर दिग्विजय ने कहा कि मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं और लड़ाई कर रहा हूं जो सद्भाव बिगाड़ती है। मेरा बयान उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसी विचारधारा को पनपने में मदद करते हैं। पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे के बाद वहां मची राजनीतिक उथल पुथल पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। यूपी बीजेपी ने प्रियंका का नाम लेते हुए चुटकी ली। प्रियंका के लखनऊ दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने पूछा कि क्या उनके लिए पंजाब का टिकट बुक करा दिया जाए। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों लखनऊ के दौरे पर हैं। सीपीआई का दामन छोड़ने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मंगलवार को रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी कार्यक्रम में गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवाणी को भी कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से वे पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि वे वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ गए हैं। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जम्मू में रहेंगे। इस दौरान उनका एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम 2 अक्टूबर को जनरल जोरावर सिंह सभागार में होगा। उनके ज्यादातर कार्यक्रम संघ के प्रदेश मुख्यालय केशव भवन में ही होंगे। भागवत के दौरे को सफल बनाने के लिए संघ के कई राष्ट्र पदाधिकारी जम्मू पहुँच चुके हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में घिरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखार उद्दीन के खिलाफ अब एक और शख्स सामने आया है। कानपुर के कल्याणपुर के इस शख्स का दावा है कि तत्कालीन कानपुर जोन के कमिश्नर इफ्तिखार उद्दीन और उसके आदमियों ने बस्ती के लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला था। शख्स ने बताया कि मेट्रो में जमीन लेने के बाद जब पीड़ित उनसे मिलने पहुंचे थे तो इफ्तिखार उद्दीन ने पीड़ितों को कमिश्नर की लिखी किताब देकर इस्लाम अपनाने को कहा और लालच दिया। महाराष्ट्र के यवतमाल के उमरखेड़ में राज्य परिवहन विभाग की एक बस नाले में गिर गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग लापता हैं। 2 यात्रियों को बचाया भी गया है। यह हादसा तब हुआ जब दहगांव में पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ड्राइवर अंदाजा नहीं लगा पाया और बस नाले में गिर पड़ी। बस में ड्राइवर कंडक्टर समेत कुल 6 लोग सवार थे। देश में सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोरोना के नए केसों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में करीब 22,000 नए केस दर्ज किए गए जबकि इस दौरान 375 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वहीं सोमवार को करीब 15,000 केस और 181 मौतें दर्ज हुई थी। इसी बीच बेंगलुरु के श्री चैतन्य बोर्डिंग स्कूल में 60 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।